हाय, मैं प्रियंका। अगर रेगुलर सब्जी और दाल खाकर आप बोर हो गए हैं तो इस टिप को फॉलो करके अपनी ग्रेवी बना सकते हैं। तुअर दाल या फिर मूंग की दाल को आप 2 से 3 घंटे भिगो दें और इसका ही यूज कर सकते हैं आप सब्जी की तरह। वेल, वो करने से पहले इसमें डालें थोड़ा सा जीरा, हरी मिर्च, लहसुन की कलियां और इसे पीस लें। पीसने के बाद जो ये मिक्सचर है इसमें डालें नमक और इसे स्टीम करें। तो स्टीम करना बहुत आसान है, इसके लिए अपना स्टीमर सेटअप लगाएं। ये टिप है आपके लिए मिस्टर कुक की तरफ से फ्रॉम द हाउस ऑफ यूनाइटेड मेटालिक। स्टीमर प्लेट पर आप तेल लगा लें और उसके बाद दाल के मिक्सचर के छोटे छोटे पोर्शंस रखें और इसे आप ढक कर तेज आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम करें। तो ये रेडी है। जो भी आपकी करी है, ग्रेवी है, नॉर्मल सब्जी के लिए बनाते हैं या फिर गट्टे की सब्जी के लिए बनाते हैं, बस उसमें ये डालें और एक उबाल आने दें, आपकी सब्जी रेडी है।